झारखंड में पिछले एक हफ्ते से चला आ रहा सियासी भूचाल अब थमता हुआ नजर आ रहा है, या फिर तूफान के आने से पहले की ये शांति है। हालांकि जेएमएम में बड़ी टूट की अटकलों पर धीरे धीरे विराम लगने लगा है। पार्टी से बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनकी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, पार्टी में जेएमएम से कौन कौन से विधायक शामिल होंगे, कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि उनके साथ अब तक कोई भी विधायक खुलकर सामने नहीं आया है। कुछ दिन पहले तक अटकलें थी कि पार्टी के कम से कम 6 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन लॉबिन हेमरम के अलावा कोई भी विधायक उनके साथ नहीं दिखा है। इन सब के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि चंपई सोरेन ने नाराजगी की बात तो की है, लेकिन उन्होंने अभी तक हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया है। जेएमएम का कोई अन्य नेता भी अब तक चंपई के खिलाफ मुखर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच एक खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि युवा नेता और जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो को चंपई सोरेन का साथ मिल सकता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जयराम के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं ने चुनाव लड़ा था। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत तो नहीं हासिल कर पाया, लेकिन कई सीटों पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली थी, और अब जयराम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। क्या चंपई को मिलेगा जयराम महतो का साथ? झारखंड की राजनीति में चर्चा ये भी है कि चंपई सोरेन झारखंडी भाषा खतियान समिति के नेता जयराम महतो के साथ मिलकर नया विकल्प तलाश कर सकते हैं। जेबीकेएसएस ने पिछले लोकसभा चुनाव में गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग में अच्छा वोट प्रतिशत पाया था। चंपई सोरेन एक सुलझे हुए नेता रहे हैं, अगर वो जयराम महतो के साथ आते हैं तो एक मजबूत विकल्प दोनों मिलकर तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैचारिक स्तर पर चंपई सोरेन को जयराम महतो के समर्थक स्वीकार करेंगे इसको लेकर संशय है, क्योंकि जयराम महतो का पूरा आंदोलन ही जेएमएम और बीजेपी के स्थापित नेताओं के खिलाफ रहा है। चंपई के पास बचे हैं क्या रास्ते? चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, हालांकि बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी चंपई को पार्टी में लाकर कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहती है। चंपई सोरेन ने दूसरे विकल्प को अभी चुना है, जिसके तहत उन्होंने नई पार्टी या संगठन को खड़ा करने की बात कही है। हालांकि चुनाव में अब बहुत कम समय है, ऐसे में नई राजनीतिक दल को खड़ा करना उनके लिए बहुत आसान तो नहीं रहने वाला। झारखंड में कई क्षेत्रीय दल बने, कई बिखरे। झारखंड की राजनीति में स्थानीयता और अन्य मुद्दों को लेकर समय समय पर राजनीतिक दलों का गठन होता रहा है। हालांकि जेएमएम की टक्कर में कोई राजनीतिक दल अब तक अपना आधार नहीं बना सका है। 90 के दशक में जेएमएम से टूटकर ही जेएमएम मार्डी का गठन किया गया था, जिसका अस्तित्व कुछ ही सालों बाद खत्म हो गया। बाद के दिनों में शिबू सोरेन के बेहद करीबी रहे सूरज मंडल ने झारखंड विकास दल का गठन किया था। इस दल को भी जनता का साथ नहीं मिला और सूरज मंडल की राजनीति लगभग खत्म हो गई थी। अब चंपई की नई पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर जयराम का साथ चंपई को मिल गया तो झारखंड की राजनीति आने वाले समय में काफी दिलचस्प हो जाएगी।